वेलकम बैक टू माई चैनल. दिस इज निलांजना हियर. इफ यू डोंट नो मी, तो मैं आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए फिर से एक व्लॉग करने वाली हूँ. पहले तो मैं बहुत ज़्यादा व्लॉग्स करती थी, पर पिछले कुछ दिनों से मैं व्लॉग नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं घर पे ही नहीं रहती थी. मतलब हमेशा बिजी होती थी एंड इट वॉज सो टफ टू मेक व्लॉग्स फॉर यू. बट नाउ आई एम बैक अगेन विद अ व्लॉग, ब्रांड न्यू व्लॉग. एंड मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं थोड़ा सा व्लॉग्स के साथ रेगुलर हो सकती हूँ. एंड वॉट एल्स, सो मैं क्या बोल रही थी कि आज मैं थोड़ी देर पहले ही उठ गई हूँ. थोड़ी देर मतलब बहुत देर पहले ही उठ गई हूँ. मतलब मैं 9 बजे उठ गई थी, अभी शायद 11 बज रहा है. फिर मैंने उठा, फ्रेश हुई मैं, फिर मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था. एंड ब्रेकफास्ट में मैं आज ब्राउन ब्रेड खाई थी एंड बटर के साथ, एंड एक एग भी खाया था. तो हाँ, यही होता है जनरली मेरे ब्रेकफास्ट. और अभी ना क्या होता है, मैं अगर एग नहीं खाती हूँ तो मुझे लगता ही नहीं कि मैंने ब्रेकफास्ट किया है. ठीक है, मतलब ऐसा हैबिट बन गया है कि मुझे ब्रेकफास्ट में एग तो चाहिए ही है. और अगर आप वेजिटेरियन हो तो आई एम रियली सॉरी गाइज, आई एम रियली रियली सॉरी. तो हाँ, जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे बालों में भी तेल लगा हुआ है. प्लीज़ डोंट माइंड माई ऑयली हेयर, बिकॉज मैंने थोड़ी देर पहले ही ऑयल लगाया था. और इतना गर्मी है आज, मतलब आज नहीं, अभी इस टाइम में कोलकाता में इतना ज़्यादा गर्मी है कि आप सोच भी नहीं सकते हो. आई डोंट नो, आई एम इन फोकस ऑन नॉट, आई होप आई एम इन फोकस राइट. तो कोलकाता में अभी इतना गर्मी है, इतना गर्मी है कि आप सोच भी नहीं सकते. तो आप देख सकते हो ना, मैं बिल्कुल स्वेटी स्वेटी हो रही हूँ. और अभी इतना यहाँ पे मतलब सन रेज इतना ज़्यादा है, मतलब इतना शाइनी है दिन. ये बाइकर्स क्यों मेरे घर के सामने से ही क्यों जाते हैं यार. तो अभी इतना शाइनी वेदर है कि पूछो मत. मतलब अभी अगर दोपहर के टाइम में कहीं पे बाहर जाना होता है ना, तो मुझे रोना आ जाता है कि क्यों बाहर जाना है. क्लासेस जब होता है, जब क्लासेस जाने होते हैं, तब मुझे लगता है कि यार क्यों, वाई. सो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत बहुत ज़्यादा. तो आप जैसे कि देख सकते हो, मैं थोड़ा सा टैंड भी शायद हो गई हूँ. एंड मैं अच्छे से टैंड नहीं हुई हूँ कि एक इवन सा सुंदर सा टैंड, नहीं नहीं होता ये इंडिया के हीट में, तो होता ही नहीं है. मतलब डिस्कलरेशन आ जाते हैं. तो हाँ, आज मैं खुद का पैम्पर करने वाली हूँ. आप जैसे कि देख सकते हो, मेरा पैम्पर रूटीन तो पहले से ही स्टार्ट हो चुका है. मैं तो सुबह उठ के ही अच्छे से ऑयलिंग कर लिया था हेयर्स में. एंड मेरे हेयर थोड़े कर्ली दिख रहे हैं क्योंकि मैंने कल ब्रेड बनाया था, तो थोड़ा सा कर्ली दिख रहा होगा. आई होप यू डोंट माइंड माई ऑयली हेयर. तो मैंने थोड़े से ऑयलिंग किए हैं. एंड मुझे आज मतलब प्लान किया है मैंने कि आज मैं एक हेयर मास्क लगाऊंगी, फेस मास्क लगाऊंगी, बॉडी भी स्क्रब करूंगी एंड बहुत कुछ करूंगी. क्योंकि आज मुझे एक वेडिंग पार्टी में जाना है, मतलब रिसेप्शन पार्टी. एंड जिसका रिसेप्शन है, मैं उसे जानती तक नहीं हूँ. मतलब मेरे पापा के कोलीग का लड़के का शायद है रिसेप्शन, तो उसके रिसेप्शन में हम सबको जाना है. एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू गो देयर, बिकॉज कहीं पर भी खाना अच्छा होता है एंड मैं मेकअप अच्छे से करके जा सकती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सारे जगहों पे जाना. तो खाना तो अच्छा होगा ही एंड मैं मेकअप भी करके जाऊँगी, तो आई एम रियली एक्साइटेड एज यू गाइस कैन सी. तो आई थॉट दैट व्हेन मतलब आज जब मैं घर में हूँ तो थोड़ा सा पैम्परिंग भी कर सकती हूँ. मतलब थोड़ा सा हेयर पैक्स लगा सकती हूँ, फेस पैक्स लगा सकती हूँ एंड ऑल दैट थिंग्स. यू नो आई लव टू पैम्पर माई सेल्फ एट होम. तो अगर आप नहीं करते हो खुद को पैम्पर, तो करो. खुद से प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. आप जब खुद से प्यार करोगे तभी दूसरों से प्यार कर सकते हो आप. ठीक है, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दोज हॉन्किंग नॉइजेस. आई नो दैट ये बहुत ही बॉदर करता है आप लोगों को, बट क्या कर सकते हैं यार. तो यहाँ पे सनलाइट तो यहीं से आती है. एंड मेरे घर में बहुत सारे विंडोज़ हैं, ठीक है, पर मैं उनको ओपन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे राइट साइड में अभी एक विंडो है इस तरफ. तो वहाँ पे जो विंडो है, अगर मैं उसको खोलूँगी तो उसके सामने मतलब थोड़ा सा दूर में ही और एक रूम और एक मतलब और एक हाउस का विंडो नहीं है, बैलकॉनी है. ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ मुझे नहीं पता. ठीक है, कभी कभी मैं आउट ऑफ वर्ड्स हो जाती हूँ, तो आई एम रियली सॉरी गाइस. तो वो बैलकॉनी है एंड वहाँ पे वो बार बार आते हैं. एंड मैं अगर ये विंडो ओपन कर लूँगी तो वो देखेंगे कि मैं ऐसे ही कैमरा से बात कर रही हूँ. एंड
दैट विल बी सो वियर्ड. शायद मुझे यहाँ से भी लोग देख सकते हैं, मतलब जहाँ का विंडो ओपन है, पर मैं उन्हें नहीं देख सकती. तो आई एम ओके विद दैट कि मैं तो नहीं देख रही हूँ ना, तो मैं कॉन्शियस नहीं हो रही हूँ. बट अगर ये खोल लूँगी मैं, तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाऊँगी, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है. एंड आई एम बींग सो नॉस्टैल्जिक गाइज, मतलब ऐसे मैं पहले वीडियोज शूट करती थी, मतलब ऐसे ही करती थी मैं. ये मेरा पीछे वाला जगह मेरा बैकग्राउंड होता था, एंड यहाँ पे मेरा कंप्यूटर का टेबल है, आप आई थिंक देख सकते हो. आउट ऑफ फोकस तो नहीं चली गई मैं? एंड मुझे इतना गुस्सा आता है ना, कभी कभी मेरा कैमरा मुझे आउट ऑफ फोकस कर देता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है यार. ये मैं इससे इतना प्यार करती हूँ, ये मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता है आई थिंक. नहीं तो क्यों क्यों करेगा मुझे आउट ऑफ फोकस. तो अभी 11 बज रहा है जैसे कि मैंने बताया, एंड मुझे 12 बजे तक नहाने जाना है, तो बहुत कुछ कर लेना है अभी अभी. तो आई होप कि मैं हेयर पैक और हेयर मास्क दोनों लगाऊंगी, एंड फेस पे भी कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा कर दूंगी. आई डोंट नो, मतलब जो भी घर पे होगा वही करना है, क्योंकि मेरे पास मैं जनरली मैं बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ों को लगाना पसंद नहीं करती हूँ, हेयर पे भी नहीं, फेस पे भी नहीं. मतलब आपको नहीं पता होगा शायद, पर मैं कोई कंपनी का फेस वॉश तक यूज़ नहीं करती हूँ. मैं बस ग्राम फ्लावर से ही फेस वॉश करती हूँ, एंड एज अ मॉइस्चराइजर मैं पतंजलि का एलोवेरा जेल लगाती हूँ, अगर आप नहीं जानते हो. क्योंकि मुझे, मतलब मुझे लगता है कि नेचुरल चीज़ों को यूज़ करने से आपका स्किन बहुत अच्छा रहता है, आपका हेयर भी बहुत अच्छा रहता है. और मैंने कौन से हेयर से हेयर ऑयलिंग किया, वो बजाज आमंड ड्रॉप्स से मैंने हेयर ऑयलिंग किया है. ये एक बहुत ही अच्छा ऑयल है, ये बहुत स्टिकी नहीं है, जो कि मुझे अभी चाहिए था. कि इतना गर्मी है कि अभी मैं अगर कोई स्टिकी ऑयल अप्लाई करूँगी तो इट विल बी लाइक ओह. सो फिर भी कोकोनट ऑयल आप अप्लाई कर सकते हो, वो बहुत अच्छा है. मुझे कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा लगता है, मुझे उससे लिटरली प्यार है. मैं कोकोनट ऑयल से मेकअप उठाती हूँ, मैं हेयर ऑयलिंग करती हूँ, मतलब वो शायद वो साल में एक बार करती हूँ, पर करती हूँ. मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड बहुत अच्छा रिजल्ट भी देता है कोकोनट ऑयल. और अगर हो सकता है तो कभी कभी, मतलब मैंने शायद 2-3 बार किया है ये, और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है गाइस. अगर आपके हेयर मेरी तरह है, मतलब वेवी है, मतलब अभी तो ज़्यादा कर्ली दिख रहे हैं क्योंकि मैंने ब्रेड्स बनाए थे, पर मेरे इतने कर्ली नहीं है, वेवी हेयर है. एंड थोड़ा सा मेरे जो एंड्स है ना, वो थोड़े से ड्राई है, ठीक है, दोनों तरफ के एंड्स ही ड्राई है, तो क्या दिखाना है, एक तरफ का दिखाया. तो अगर आपका मेरे तरह हेयर है कि ऑयली स्कैल्प है एंड ड्राई हेयर है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो, जो कि होता है ना कोकोनट का. आपको एक कोकोनट लेना है एकदम अच्छा खासा, फिर उसका मिल्क आपको निकालना है, ठीक है. पहले कोकोनट को आप अच्छे से ग्राइंड कर सकते हो, फिर उसे मिल्क ऐसे निकालो, ऐसे निचोड़ के मिल्क निकाल दो. फिर उसको थोड़ी देर के लिए आप गैस पे सिम में रख के थोड़ा सा घना बनाना है उसको, ठीक है. बहुत पतला नहीं रखना है, थोड़ा सा जब घना हो जाए, ठीक है, तब उसको लेके अच्छे से पूरे हेयर्स में आप अप्लाई करो. मैं तो क्या करती थी, मैं वो कोकोनट मिल्क में भी कोकोनट ऑयल मिलाती थी, ठीक है. फिर उसको अच्छे से रूट से एकदम टिप तक अप्लाई करती थी, एंड उसको रखती थी, मतलब 2-3 घंटा रख देती थी, ठीक है. क्योंकि वो तो हम रोज़ रोज़ नहीं कर सकते ना, हफ्ते में भी एक बार नहीं कर सकते. तो जब करती थी तब बहुत देर तक रखती थी, फिर उसको शैम्पू करती थी. वो बहुत अमेजिंग होता है गाइस. इवन आपका हेयर पहले से ज़्यादा, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेट लगेगा, शाइनी तो लगेगा ही लगेगा, मतलब इतना शाइन देता है कि आप पूछो भी मत. तो वो बहुत अच्छा हेयर मास्क है. तो अगर आप चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो. और मैं अगर कैमरे के सामने अभी तक बैठी रही ना, तो मैं बकबक करती रहूँगी, हेयर मास्क, फेस मास्क, बॉडी मास्क, सबके बारे में बात कर लूँगी. जो कि मुझे अभी नहीं करना चाहिए, मुझे अभी पैम्पर करने में ध्यान देना चाहिए, और आपको दिखाना चाहिए कि मैं कैसे पैम्परिंग करती हूँ. तो या गाइज, दैट्स इट फॉर राइट नाउ, एंड आई विल सी यू गाइज व्हेन आई विल मेक माय हेयर पैक, फेस पैक एंड एवरीथिंग. आई थिंक कि आप लोग मेरे हेयर और फेस दोनों के पैक्स देख चुके हो, तो मैं बनाना शायद नहीं दिखाऊंगी, मैं लगाना दिखाती हूँ, ठीक है. तो तब तक के लिए देखते रहिए. सो हाय गाइस, आई एम बैक अगेन. तो मैं हमेशा रूट्स पे एक अलग मास्क लगाती हूँ, एंड हेयर पे, मतलब लेंथ पे एक अलग मास्क लगाना पसंद करती हूँ. कभी कभी एक ही मास्क लगा लेती हूँ, मतलब बुरा नहीं है, पर मैं प्रेफर करती हूँ दोनों अलग अलग मास्क लगाना.
जबकि हम पैम्पर कर सकते हैं वैसे, तो मैं अभी एक मास्क बना रही हूँ एंड आपको दिखा रही हूँ कि कैसे बनाती हूँ। मैं नॉर्मली यही मास्क लगाती हूँ ठीक है बालों में। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एग लिया है, आई होप दैट यू कैन सी इट। आप देख नहीं सकते ना, ओके मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकेंड। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमें एक एग चाहिए, ये एक ऑर्गेनिक एग है, मतलब जो होता है ना ऑर्गेनिक वाला वो एग है। एंड इसमें मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल मिलाया है एंड हमें थोड़ा सा लेमन भी चाहिए, मतलब हाफ लेमन भी होगा तो भी चलेगा ठीक है, ऐसे हाफ लेमन चाहिए एंड ये एग चाहिए विद सम मस्टर्ड ऑयल एंड हम इसको मिला लेंगे और मेरा मास्क रेडी हो जाएगा। तो मैं अभी मास्क लगाने वाली हूँ एंड मैं मेरी स्कैल्प में वो अनियन वाला मास्क लगाऊंगी क्योंकि अनियन बहुत ज़्यादा कूलिंग सेंसेशन देता है मेरे स्कैल्प में, किसी के भी स्कैल्प में अनियन बहुत लाइक कूल होता है, टिंगलिंग कूल काइंड ऑफ सेंसेशन देता है जो मुझे बहुत पसंद है। एंड मेरे जो स्कैल्प है ना वो थोड़ा ऑयली है तो मैं बहुत ज़्यादा ऑयल अप्लाई करना पसंद नहीं करती। तो हाँ मैं पहले तो स्कैल्प पे लगाती हूँ एंड लगाते लगाते शायद मैं आप लोगों से थोड़ा थोड़ा बात भी करूँगी क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है मुझे आप लोगों से बात करना बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइक बहुत से भी ज़्यादा। एंड मैं इतना मिस करती थी आप लोगों को, लाइक मैं वीडियोस तो बनाती थी पर बात नहीं कर पाती थी आप लोगों से, मैं इतना मिस करती थी ना आप सोच भी नहीं सकते, बहुत मिस करती थी। अच्छे से मैं रब करते करते लगा रही हूँ ठीक है। ये जो अनियन का मास्क मैं लगा रही हूँ इसमें सिर्फ अनियन ही है और कुछ नहीं है। अगर आप इससे भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो थोड़ा सा इसमें जिंजर यूज़ कर लेना, मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया है ये मास्क कैसे बनाती हूँ मैं एंड ऑल दैट। तो अगर आप चाहते हो तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो, उसमें मैंने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कौन से प्रॉब्लम्स को ये कैटर करता है एंड आपके कैसा हेयर टाइप है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो एंड ऑल दैट। तो उस वीडियो को ज़रूर देखना। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट हेयर मास्क है, ये जो बाल झड़ते हैं ना उसको भी बहुत कम करता है। मेरा कुछ दिन पहले इतना बाल झड़ रहा था तो फिर मैंने चालू कर दिया इसको अप्लाई करना, फिर कुछ ही दिनों में मतलब वो बाल इतने झड़ रहे थे तो मुझे बाल कटाना पड़ा। मेरे बहुत लंबे बाल थे, मतलब इससे तो बहुत लंबे थे, अभी जितने हैं बहुत ज़्यादा नहीं थे बट इससे बहुत ज़्यादा लंबे थे, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ मुझे खुद को भी नहीं पता है। हाँ मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ पहले। एंड गाइज अगर आपका कोई भी मतलब आपको कोई भी वीडियो चाहिए मुझसे मतलब कोई भी टॉपिक में रिलेटेड तो प्लीज़ आप कमेंट करो, बिल्कुल भी शाई फील मत करो मुझसे मुझे कमेंट करने के लिए, यार मेरे से आप कुछ भी बोल सकते हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है। मुझे पता है कुछ कुछ लोग शाई फील करते हैं कमेंट करने के लिए, मुझे इंस्टाग्राम में डीएम करते हैं एंड वो बोलते हैं कि मैं शाई फील करती थी आपको कमेंट करने के लिए, यार मुझे कमेंट करने के लिए आप शाई क्यों फील करते हो, आप बोलो मुझे क्या आपको लगता है मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर हूँ कोई कि हाँ आप, अगर आप गलत भी लिखते हो ना तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं बहुत गलत बोलती हूँ खुद भी एंड मैं भी गलत लिखती हूँ कभी कभी, तो आप मुझे बिल्कुल मतलब कोई भी झिझक नहीं किए मुझे आप कमेंट कर सकते हो ठीक है। तो अभी से जो भी मुझे कमेंट करने के लिए शाई फील करते हो मत करो शाई फील, कुछ भी कमेंट करो यार, अभी आप क्या कर रहे हो वही कमेंट कर दो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप लंबे लंबे कमेंट करते हो ना तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पता है, मतलब कोई भी लंबा कमेंट होता है तो मैं उसको जब पढ़ती हूँ मतलब उसे पढ़ने से पहले मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना लंबा कमेंट किसी ने इतना टाइम निकाला मुझे कमेंट करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है पता है। हाँ यही है। And guys, now I'm just gonna massage my hair a bit like this. मुझे अच्छा लगता है मसाज करना, ऐसे से मसाज करूँगी एंड आफ्टर आई एम डन विद मसाजिंग मैं इसको सारे के सारे बालों को ऊपर उठाऊँगी, ऊपर हो सकता है एंड मैं इसको एक बन बना के क्लैचर लगाऊंगी, क्लैचर तो आ गया मिल गया, क्लैचर लगा दूंगी ताकि ये बन सिक्योर हो जाए एंड अच्छा रहे। सो
हाँ मुझे इसको एक घंटा रख देना है मेरे बालों में ऐसे ही, फिर एक घंटे के बाद मैं शावर ले लूंगी एंड फिर आप लोगों से मिलती हूँ, बाय बाय। हाय गाइस, तो मैंने अभी अभी लंच किया है एंड सॉरी कि मैंने लंच के टाइम में फिल्म नहीं कर पाई थी, क्योंकि माय मॉम थिंक्स कि जब घर में बहुत अच्छा खाना पकता है तब आपको फिल्म करना चाहिए, जब नॉर्मल सा खाना पकता है तब फिल्म नहीं करना चाहिए। क्या कर सकते हैं, मैंने बोला कि हाँ मैं ये दिखा देती हूँ, बट शी इज लाइक नो आज बहुत अच्छा खाना नहीं बना है तो नहीं दिखाओ। तो आज क्या खाया, मैंने चावल खाया, उसके साथ दाल, थोड़ा सा सब्जी एंड फिश खाया। तो हर रोज़ मेरा एक ही मेन्यू होता है लंच का जनरली, तो चावल ही होता है मेरे, मैं लंच में चावल ही खाती हूँ, मतलब मोस्ट ऑफ बंगाली पीपल चावल ही खाते हैं लंच में, तो मैं भी चावल खाती हूँ एंड उसके साथ दाल रहता है, सब्जी रहता है, कभी फिश रहता है, कभी एग रहता है और कभी चिकन रहता है, तो वो चेंज होता है, बट दाल और सब्जी चावल के साथ रहता ही है। एंड आप देख सकते हो मेरे बाल अभी तक मैंने कोम भी नहीं किए हैं, बस एयर ड्राई किया है, मैंने अभी तक कोम नहीं किया, अब पूरा ड्राई हो चुका है तो मैं थोड़ी देर बाद कोम कर लूँगी। मैं गीले बाल कोम नहीं करती हूँ, मतलब हमेशा से मैं गीले बाल बिल्कुल भी नहीं कोम करती हूँ, क्योंकि तब बाल बहुत झड़ते हैं, तो जब सूख जाता है तब आप कोम करते हो तो तब बहुत ज़्यादा गिरता नहीं है। तो हाँ यही है एंड देन मैं अभी वो यही वीडियो का फर्स्ट पार्ट एडिट करने वाली हूँ एंड उसके बाद एक छोटा सा नैप लेने वाली हूँ, क्योंकि अगर मैं नैप ले लूँगी तो शाम को मुझे मतलब मूड अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, मैं नैप ले लेती हूँ तो शाम को मूड अच्छा रहता है, और नैप नहीं लेती हूँ तो मूड ख़राब हो जाता है। तो मुझे एक छोटा सा नैप लेना है एंड इस वीडियो को थोड़ा सा एडिट करना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो कल पब्लिश हो जाए। मुझे मतलब मैं ट्राई तो करूँगी ज़रूर कि ये कल कभी भी पब्लिश हो जाए। मेरे वीडियो का ना कोई परफेक्ट टाइमिंग्स नहीं है, जो मुझे बहुत मतलब गुस्सा आता है। मुझे एक तो टाइमिंग बता दीजिए आप मुझे कि कौन से टाइम में मुझे वीडियोस अपलोड करना चाहिए, तो जिस टाइम में आप लोग सब होंगे फ्री देखने के लिए मैं उसी टाइम में अपलोड करने की कोशिश करूँगी। एंड वॉट एल्स, मेरे ना यहाँ पे एक पिंपल निकलने वाला है, मुझे बहुत ही मतलब लग रहा है, एक छोटा सा वाइट हेड सा है, मतलब निकला नहीं ये पिंपल अभी तक, बट निकलने वाला है। एंड आई नो कि इतनी गर्मी में एक दो पिंपल तो निकलेगा ही निकलेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब आप जितना केयर कर लो, कुछ भी कर लो, एक दो पिंपल तो निकलेंगे ही निकलेंगे। तो हाँ गाइज, मैं थोड़ा सा वीडियो एडिट करती हूँ, फिर एक नाप लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ जब मैं रेडी होंगी। तो तब तक के लिए देखते रहिए। ओके, तो आई होप द लाइटिंग इज गुड एंड यू कैन सी मी एटलीस्ट। तो मैं अभी अभी नैप लेके उठी हूँ एंड बहुत ही अच्छा फील हो रहा है मुझे, बहुत ही फ्रेश। तो मैं अभी डिसाइड करने वाली हूँ कि मैं क्या पहनूंगी एंड मैं आप लोगों को पहले नहीं दिखाऊंगी कि मैं क्या पहन रही हूँ, मैं पहनने के बाद दिखाऊंगी कि मैंने क्या पहना है एंड क्या मेकअप किया है। एंड गाइज, आई एम अ बिट लेट बिकॉज अभी 6 बज गए हैं एंड मुझे बहुत जल्दी जल्दी में रेडी होना है एंड मेरी मम्मी का एंड मेरी बहन को भी रेडी करना है। तो मैं आज फिल्म नहीं कर पाऊँगी, आई होप कि एक गेट रेडी विद मी। तो मैं जो मेकअप करूँगी बहुत ही सिंपल सा नॉर्मल सा करूँगी, जैसा मैं शायद किसी वीडियो में किया होगा, एंड अगर नहीं किया है ऐसा मतलब अभी से पता नहीं है। ठीक है, क्या करूँगी नहीं करूँगी, मैं करना स्टार्ट करती हूँ फिर मुझे लगता है कि ये ऐसा करना है वो वैसा करना है। तो अगर वैसा ट्यूटोरियल होगा तो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर नहीं है तो आप कमेंट करके बोलो कि आपको वो वाला मेकअप देखना है या नहीं। मैं अभी से क्यों बोल रही हूँ पता भी नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि आज बहुत ही बुरी कोई मेकअप करूँ मैं, तो देखते हैं मैं बहुत अच्छी मेकअप करती हूँ या बहुत बुरी। तो हाँ, मैं अभी ड्रेस पहनूंगी एंड फिर रेडी हो जाऊंगी, फिर उन लोगों को रेडी करूंगी एंड फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। हाय गाइस, सो आई एम बैक अगेन एंड आई एम रियली रियली सुपर डुपर एग्जॉस्टेड, क्योंकि मैं अभी जा नहीं रही हूँ, मैं अभी आई हूँ वहाँ से, मतलब वो ओकेशन से, फंक्शन से लौटी हूँ एंड मैं जाने के टाइम में बिल्कुल भी व्लॉग नहीं कर पाई थी बिकॉज आई वॉज सो बिजी, मतलब सबको रेडी करते करते मुझे खुद को रेडी होने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, फिर भी जितना भी टाइम मिला मैं उसमें यही मेकअप मैंने कर पाई मैं। एंड दिस इज रियली सिमिलर टू माई वैलेंटाइंस डे मेकअप ट्यूटोरियल, दैट इज अ चिट चैट मेकअप ट्यूटोरियल, तो अगर आपको देखना है तो आप वो देख सकते हो। उसमें भी मैंने सिमिलर ही मेकअप किया था, जैसे कि मैंने एक
पिंक आई मेकअप किया है एंड पिंक लिपस्टिक भी पहना है एंड आई एम वेयरिंग अ गाउन. आई डोंट नो दैट मैं आपको दिखा सकती हूँ या नहीं, बट आई एम ट्राइंग टू शो यू. वेट, ओके वन सेकेंड. सो दिस इज हाउ द गाउन लुक्स लाइक. मैं आपको नीचे का पोर्शन तो दिखा नहीं सकती, बट दिस इज हाउ इट एक्चुअली में लुक्स लाइक. आई रियली लाइक इट. एंड वन सेकेंड, लेट मी प्लेस इट नाइसली, देन आई विल टॉक. ओके आई एम फोकस्ड राइट. हाँ तो हाँ, मैं जब जा रही थी ना तब बिल्कुल भी मैं व्लॉग नहीं कर पाई थी क्योंकि आई वॉज सो बिजी एंड राइट नाउ आई एम सो सो टायर्ड. बट मैंने इतने दिन बाद मैं व्लॉग किया एंड आपको पता है आज भी बारिश हो गई यहाँ पे, अभी भी बारिश हो रहा है. तो आई थिंक यू गाइज आर सो मच लकी फॉर मी. आप लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी हो क्योंकि मैं आज व्लॉग कर रही हूँ, आज आप लोगों से बात कर रही हूँ तो अभी बारिश हो रहा है, बहुत जोर से बिजली चमक रही है एंड आवाज़ भी आप सुन सकते हो शायद, आई डोंट नो. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बारिश वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है. और अभी 11:30 बज गया है. यस, तो मुझे अभी मेकअप उतारना है, फिर मुझे सोने जाना है. मतलब अभी मैं अगर एक बार लेट जाऊँ ना तो मैं आई बी लाइक ओह, मतलब तभी सो जाऊँगी मैं एकदम बिल्कुल अच्छे से. तो आई एम रियली टायर्ड एंड आई होप कि मुझे ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करना चाहिए क्योंकि मेकअप उठाने के बाद मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं रहेगा कि मैं फिर से आके आप लोगों से बात करूँ. मतलब बेड पे सो के बात कर सकती हूँ मैं, नहीं तो मतलब फॉर्मेलिटी नहीं होगा मुझसे अभी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ एंड लाइक दुख रहा है मेरी सारी जगह. ठीक है, तो मुझे भी बहुत पानी पीना है बिकॉज आज बहुत सारे जंक फूड मैंने खा लिया है एंड मैं जब भी बहुत ज़्यादा जंक खा लेती हूँ ना तब ट्राई करती हूँ कि बहुत ज़्यादा पानी पीने का. तो मुझे थोड़ा सा पानी पीना है, नॉट थोड़ा सा, लाइक बहुत सारा पानी पीना है. फिर मुझे मेकअप उठाना है, मेकअप बिल्कुल अच्छे से रिमूव कर देना है ताकि एक भी बिल्कुल कुछ भी नहीं रहे. एंड हाँ यही है. एंड गाइज यू कैन सी माई हेयर स्टाइल राइट. मैंने यहाँ पे छोटा सा लाइक ब्रेड काइंड ऑफ अ थिंग बनाया था, आई होप आप देख सकते हो. तो इस पर मैंने थोड़े से वो जो होते हैं ना मोती वाले क्लिप्स मैं निकाल के दिखाती हूँ. तो वो जो ऐसे क्लिप्स होते हैं ना मोती वाले, मोती लगे हुए, तो इसको लगाया था. एंड या दिस इज ऑल अबाउट माई हेयर स्टाइल. एंड यहाँ पे भी मैंने वैसे ही ब्रेड लगाए हैं, ब्रेड बनाए हैं एंड यहाँ पे एक क्लिप लगाया है राइनस्टोन वाला. तो दैट्स अबाउट इट. एंड और कुछ नहीं किया है, मतलब नो हीटिंग टूल्स, नो नथिंग, कुछ नहीं. तो हाँ यही था, ऐसे मैं गई थी. आई होप कि आप लोगों को मेरा लुक पसंद आया होगा एंड मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली मिले थे. बट अभी तो थोड़े से मतलब बहुत टाइम हो गया है ना तो थोड़ा थोड़ा मेकअप इधर उधर हो गया है, लिपस्टिक थोड़े से उठ गए हैं, थोड़े शाइनी दिख रहे हैं. बट मैं बिल्कुल मैट लगा के गई थी एंड थोड़े से बाल भी इधर उधर हो गए हैं ना तो उतना अच्छा शायद नहीं लग रहा है. पर मुझे वहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, मुझे बहुत अच्छे लगे वो. एंड व्हाट एल्स गाइस, एंड द ब्राइड, मतलब वहाँ पे दोनों का शादी था. ठीक है, दो भाई का एक साथ शादी था, मतलब रिसेप्शन था. दोनों के जो ब्राइड्स हैं इतने सुंदर थे एंड गाइज उनके मेकअप लाइक देवर ऑन पॉइंट, इतना अच्छा मेकअप किया था. आई डोंट नो, मुझे भी ना क्यों नहीं पता, मुझे लग रहा है कि मैं कोई भी अगर वैसे ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट के पास जाके मेकअप सीख जाऊँ तो बहुत अच्छा है क्योंकि इतना अच्छा मेकअप किया था. मतलब सब कुछ छोड़ भी दो ना, बेस मेकअप इतना अच्छा किया था कि यू कैन नॉट इवन इमेजिन. बहुत अच्छा मेकअप था, बिल्कुल ग्लोई था, मतलब देख के पता भी नहीं चलता था कि मेकअप है. बट द थिंग इज कि उनके जो बॉडी कलर है ना उससे बहुत ज़्यादा वाइट था तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा. पर मतलब मैंने जब नहीं देखा था ना हाथ उनके तब मुझे लग रहा था कि वाओ सच नाइस मेकअप, सच नाइस, मतलब स्किन के ही तरह दिख रहा है, मतलब मेकअप नहीं लग रहा है कि मेडअप. वो जो होता है ना लैक्मी का टैगलाइन की मेकअप जो ना लगे मेडअप, तो ऐसा ही था. मुझे बहुत पसंद आया उनका मेकअप. एंड और क्या बोलना था मुझे, और हाँ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए क्योंकि मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, मेकअप वीडियोस बनाती हूँ, ब्यूटी वीडियोस बनाती हूँ, DIY बनाती हूँ एंड
बहुत कुछ बनाती हूँ एंड आप मुझे कोई वीडियो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसको बनाऊँगी, एटलीस्ट कोशिश तो करूँगी ही। एंड हाँ गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक बिग 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 थम्स अप दीजिए। एंड अगर आपको मुझसे बात करना है तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना। तो हाँ गाइस, आज के लिए इतना ही, मैं आप लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।